दोस्तों आज हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। अब बेसिकली हमें सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। रेवोल्यूशनरीज मतलब जो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रेवोल्यूशनर रेवोल्यूशन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जैसे यहाँ पे हुआ था फ्रांस में कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। और नेगेटिव होता है जैसे कोई भी एक अच्छा काम कर रहा है और उसके बीच में टांग अड़ानी, उसके विद्रोह करना, वो होता है नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ तक इसके बारे में तो एक आउट्रो मैंने आपको बेसिकली एक इंट्रो दिया है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी पता हो, ठीक है। कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप पता हो, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आप पढ़ेंगे कैसे रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए, ठीक है, कैसे लोगों में एक रेवोल्यूशन की आग आई, जुनून आया, ठीक है, और कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और कैसे पार्टिसिपेट किया वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें कौन से लोग और कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया ये पता होना चाहिए। अब ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रू मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडर रूम। अब जैसे ही 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच आई, ठीक है, उसने क्या किया, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को क्या किया, अंडर रूम कर दिया, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जैसे कंजर्वेटिज्म आए उनने लिबरल्स को बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, बहुत बेसिकली इतने बहुत खतरनाक रूल्स लेके आए जिससे लोग डर में पैदा हो गए, ठीक है, उन्हें डर पैदा हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, मतलब दूर चले गए कहीं ना कहीं। अंडरग्राउंड ऐसे नहीं भी धरती के नीचे रहने लग गए, कहीं दूर चले गए, ठीक है, ताकि कंजर्वेटिज्म जो राजा रानी का रूल है वो हम तक पहुंच ना सके। बेसिकली राजा रानी का रूल हम तक पहुंच ना सके, मतलब क्योंकि तब राजा जो रानी ना अपने आगे सैनिक भेज रहे थे कि जो लिबरल्स ने पहले हम पे वो किया है तो अब हम उन्हें बताएं, ठीक है। तो वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें हार्म कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी रीच से दूर भागे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड के दौरान, ये समय के दौरान सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अब इस पीरियड के दौरान, 1815 के पीरियड के दौरान सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। अब सीक्रेट सोसाइटीज कौन सी होती थी? सीक्रेट सोसाइटीज वो होती थी जो कि कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थी, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कंजर्वेटिज कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। और दूसरी बात, वो क्या होती थी, सीक्रेट होती थी, मतलब ऐसे ही लोगों को पता नहीं होता था, ठीक है। कोई भी ग्रुप है उन वो इतना ऐसे दिखाते थे कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पर अंदर से वो जानते थे। अंदर सारे जो ग्रुप होता था, ठीक है, उनका माइंड सेट तो एक ही होता, समझ लो ये ग्रुप है, ठीक है, लोगों का। वो ऐसे प्रिटेंड करते थे हम तो एक दूसरे को जानते नहीं, पर सबके जो माइंड सेट होता था वो सेम होता था कि हमने ये राजा रानी को भगाना है हमारे फ्रांस, ठीक है। ये बनी, ये किस लिए बनी, ये भी तो हमारे दिमाग में आता है। कोई भी एक वो बनती है सोसाइटी, वो किसके लिए बनी, ये इन दोनों पॉइंट्स के लिए बनी। उनने क्या किया, पहले तो अपोज किया मोनार्शियल सिस्टम, ठीक है, जो ये मोनार्की, ये राजा का सिस्टम आ गया था, बोर्बन डायनेस्टी आ गई थी, उसे क्या किया, अपोज किया, उसके खिलाफ गए। और दूसरी बात, वो फाइट करते थे, वो लड़ते थे किसके लिए, लिबर्टी बेसिकली और फ्रीडम के लिए। लिबर्टी और फ्रीडम मतलब बेसिकली फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, ठीक है। लिबर्टी मतलब इसमें होते हैं बेसिकली फ्रीडम ऑफ राइट्स, ठीक है, फ्रीडम मतलब हर चीज़ की फ्रीडम, फाइन। ये किसके लिए बने, पहली पॉइंट तो ये मोनार्शियल सिस्टम को क्या करने थे, अपोज कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, ये फाइट करते थे, ये लड़ते थे किसके लिए, लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के, फाइन। अब एक बहुत बढ़िया शख्सियत सामने आती है जिसका नाम था गिजी पी मैजिनी। हाँ, गिजी पी मैजिनी, ये जन्मा था गिनोए, ठीक है, ये किसमें, इटली में है, ठीक है, ये एक सिटी है गिनोए जो कि इटली में है, ठीक है। वो कौन से ईयर में इसका जन्म हुआ था, 1807, ठीक है, ये याद रखना, मैं तभी ये हैशटैग लगाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। हाँ, और वो भी एक मेंबर था, ठीक है, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का, जो कार्बोनरी थी, ठीक है। अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज के ना नाम होते थे, ठीक है, जैसे किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, तो ये किसका था, कार्बोनरी का। अब देखो, ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन 1831 फॉर ट्रैपनिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया। उसे उसे जेल हुई थी, ठीक है, 1831 में। किस किस क्यों जेल हुई थी, उसे जेल हुई थी क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया था एक रेवोल्यूशन इन लुगेरिया, ठीक है। ये भी एक सिटी का नाम है जो इटली में थी, और उसने क्या किया था, रेवोल्यूशन किया था,
ठीक है, विद्रोह किया था वहां पे मोनार्शी सिस्टम के खिलाफ, तो उसे क्या एग्जाइल जेल हुई थी, ठीक है, इन 1831, जो वो क्या था बिल्कुल अभी छोटा सा था, अभी 24 ईयर्स का ही था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने क्या योगदान डाले, ठीक है, तभी इसका मैं नाम कहा था एक बढ़िया शख्सियत है। क्यों बढ़िया शख्सियत है, इसके दो काम किए थे इसने। पहला काम, ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज। उसने क्या किया, सबसे पहले एक सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ठीक है, जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सलीज, ठीक है, ये याद रखना नाम। फिर उसने दूसरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। उसने ये दो वो बनाई सीक्रेट सोसाइटीज, ठीक है, जिसका काम यही था दोनों, कि पहला तो हमें अपोज करेंगे मोनार्शियल सिस्टम, और क्या किसके लिए लड़ रहे हैं हम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। फाइन, सो बेसिकली आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने बेसिकली ये पढ़ा कैसे 1815 के बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि क्योंकि कंजर्वेटिज्म उन्हें ढूंढ रहे थे, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान सीक्रेट सोसाइटीज बनी, इनका क्या मोटिव था, इनका ये दो मोटिव था, मोनार्शियल सिस्टम को अगेंस्ट थे और लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे। फाइन, और इसमें ये बढ़िया शख्सियत का जन्म हुआ जिसका नाम था गिजीपी मैजिनी। वो कहाँ पे हुआ, गिनोए में। गिनोए कहाँ पे, इटली में, ठीक है, ये इंटरनेट करते रहा करो। और कौन सी ईयर में, 1807 में। और ये सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का एक मेंबर था, और इसने फिर आगे अपने कारनामे किए इतने बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और ये जेल भी गया था 1831 में, क्यों गया था, क्योंकि इसने भी एक रेवोल्यूशन किया था लुगेरिया में। और फिर इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, पहली यंग इटली मर्सलीज, दूसरी यंग यूरोप एट इनबर्न, ठीक है। सो जल्दी जल्दी इसे नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको शो करता हूँ, जिसमें हम देखेंगे इसने और क्या क्या काम किए जिससे लोग इससे और खुश हुए, और फ्रांस में अभी भी इसका नाम जानते हैं। मतलब जैसे कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता वैसे, लाइक हमारे इंडिया में हम महात्मा गांधी को याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं, भगत सिंह को ऐसे याद रखते हैं ना, वैसे ही अगर आप फ्रांस में जाओगे तो इन्हें याद किया जाएगा, ठीक है, एज अ फ्रीडम फाइटर। तो बेसिकली वो देखते हैं, और एक और चुटकुला देखेंगे कैसे जो ड्यूक मैटरनिच थे, हाँ, ऑस्ट्रेलियन चैलेंसर, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें, ठीक है। ड्यूक चैलेंसर ने कैसे इनकी थोड़ी फिरकी ली, ठीक है, वो भी देखेंगे, चलो नोट कर लो जल्दी। अब दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछली स्लाइड में देखा कैसे दो सोसाइटीज बनाई गई गिजीपी मेज़ेनी के द्वारा, पहली तो थी यंग इटली इन अपने बर्न, और यंग, हाँ, यंग यूरोप इन मर्सिडीज, नहीं उल्टा बोला मैं, पकड़ लिया करो मुझे, मैं कई बार उल्टा बोलू ना, हाँ एक बार कह दिया करो भाई, उल्टा बोल रहा है। पहला तो बनाया उसने यंग इटली इन मर्सिलीज, फिर दूसरा यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। अब उसने यंग वर्ड दोनों में यूज किया, अब यंग क्यों, क्योंकि जो उसके मेंबर्स थे वो यंग थे, ठीक है, जो उसके मेंबर थे वो उसमें यंग मैन जाते थे, कौन कौन सी कंट्रीज से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है भी, जो उसकी सोसाइटीज बनाई गई थी उसके मेंबर कौन कौन से थे, ठीक है, ये याद रखना। बी यंग मेंबर इसलिए यंग यूज किया गया क्योंकि उसके यंग मेंबर थे, और कौन 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 सी, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ठीक है। अब इसे आप इससे वो याद रखना, PFIG, ठीक है, PFIG इससे याद रख लेना ट्रिक। अब मेजीनीज बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जो गिजीपी मेज़ेनी की आइडियोलॉजी थी वो कहता था जो भगवान है ना उसने नेशंस बनाई हैं, तो ये सोच के बनाई है, ये क्या नेचुरल यूनिट है एक मैनकाइंड के, इंसानियत का, ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। जो भगवान ने कोई भी ये कंट्री बनाई है, कोई भी नेशन बनाई है, वो उस पे हर ह्यूमन का एक राइट है, और हर ह्यूमन आज़ादी से रह सकता है, बेसिकली इसका ये मोटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और वो क्या कहता था, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स ऑफ किंगडम। वो कहता सो इटली अब से कहते एक पैच वर्क, छोटे छोटे टुकड़ों जो स्मॉल स्टेट्स और किंगडम से बनी हुई थी, कहता वैसी नहीं रहेगी। उसकी आइडियोलॉजी, उसका ड्रीम ये था कि जो इटली है छोटे छोटे पैच वर्क ऑफ किंगडम्स और स्मॉल स्टेट से बनी हुई है, कहता ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इटली थी ना ये, लाइक समझ लो इटली है, उसमें कहीं पे कोई राजा था, इधर कोई और, ऐसे अलग अलग उसमें बंटी हुई थी, ठीक है। वो चाहता था एक सिंगल यूनिफाइड हो, ये देखो सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक नेशन, वो कहता है एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक नेशन हो, ठीक है। सिंगल एक यूनिफाइड मतलब जिसमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो,
ठीक है, कहीं और किंग ना हो, कोई और रेगुलेशन ना हो, एक ही किंग हो, एक ही मतलब किंग तो वो चाहते ही नहीं था बेसिकली। उसकी भी अप्रोच क्या थी, रिपब्लिक, रिपब्लिक बेसिकली डेमोक्रेटिक, ये दोनों एक ही जैसे हैं। रिपब्लिक का मीनिंग होता है वो कंट्री जिसका जो हेड है वो वोटिंग से चुना गया, ठीक है, तो वो भी यही चाहता था। आगे, मिजीनीस रिलेंटलेस ओपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंस कंजर्वेटिज्म। हाँ, ये बहुत जरूरी, जो मिजीनीस का रिलेंटलेस मतलब इतना जो रेस्टलेस वो था ओपोजिशन टू मोनार्की, ठीक है, उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब अपने बेसिकली कंजर्वेटिज्म को डरा दिया, ठीक है, राजा रानी उससे डरते थे क्योंकि जो इतना वो स्ट्रॉन्ग लीडर था बेसिकली, क्योंकि उसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी और वो एट द एज ऑफ 24, ठीक है, जेल तक जा चुका था, ठीक है, इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, ठीक है। और मैटरनिच, हाँ मैंने आपको बताया था ना, ये एक ऐसा बंदा है जो हर चीज में थोड़ी थोड़ी टांग अड़ाता था, ठीक है। अब ड्यूक मैटरनिच ने क्या कहा, ये याद रखना है, कौन है, ऑस्ट्रेलियन चैलेंजर, ठीक है। मैटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। उसने विजिगो मैजेनी को क्या कहा, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, आर मतलब जो कंजर्वेटिव, क्योंकि बेसिकली ये भी एक किंग था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का सॉरी। वो कहता आर मतलब जो इनका कंजर्वेटिव रिजाइन था, ठीक है, वो कहता जो अपना गिजी भी मिजेनी है वो कहते हमारा सबसे बड़ा एनिमी है और डेंजरस, देखो मैंने आपको कहा था वो कितना डेंजरस, ठीक है। सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने पढ़ा कैसे जो यंग उसके जो दोनों सीक्रेट सोसाइटीज थी पहली और दूसरी, यंग क्यों लगा, ठीक है, इस कारण से लगा क्योंकि उसमें यंग मेंबर थे कौन कौन से स्टेट से मतलब कंट्री से, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ठीक है। फिर उसका क्या आइडियोलॉजी थी, क्या बिलीफ थी, वो कहता था भगवान ने ये नेशन बनाई है तो हमारे लिए, एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के लिए बनाई है, ठीक है, उस पर किसी और का राइट नहीं होगा। और वो चाहता था जो इटली इतने डिवीजन में बटा हुआ है वो एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक हो, ठीक है, जिसमें वोटिंग सिस्टम हो, रिपब्लिक मतलब जिसका जो हेड है वो वोट से वो खड़ा हो, ठीक है। और जो इसका रिलेंटलेस ओपोजिशन था मोनार्की और हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो उसका विजन था, सोच थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, वो उसने क्या किया, डराया किसको, कंजर्वेटिव्स को, ठीक है, कंजर्वेटिव राजा रानी, अब तो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। अब मैटरनिच ने क्या किया, उसने फिर थोड़ी टांग अड़ाई, उसने क्या कहा, ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। उसने कंजर्वेटिज्म जो वो थी उसका सबसे डेंजरस एनिमी बताया, ठीक है। सो बेसिकली आज तक की वीडियो को आपको समझ आ गया होगा, हमने बेसिकली देखा रेवोल्यूशनरीज की एंट्री कैसे हुई, ठीक है, उसमें सबसे अपने इंपॉर्टेंट चीज हमने मैजनी की एंट्री देखी, गुज़िफ़ी मैजनी की, उसने क्या क्या अपने काम किए, कारनामे किए और लोग उसे क्यों इतना जानते। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो का टाइटल है द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ेंगे कैसे और रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए, कैसे और रेवोल्यूशन खड़े हुए, ठीक है। आज तो बेसिकली हमने एक पे अपना फोकस दिखाया हुआ था, उसकी सारी डिटेल देखी, जैसे गुज़िफ़ी मैजनी की, उसकी आइडियोलॉजी देखी, उसका जन्म देखा, उसकी सब कुछ देखा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हर इसमें तो एक ही देखी, उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आना, थैंक यू।